नमस्कार मेरे यूपी बोर्ड के प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये 30 बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर कर लेते हैं तो इसी के आधार पे सेम टू सेम आपका जो 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। और श्योर है कि इस 30 बताए गए 30 प्रश्नों में से आपका जो है कम से कम 15-16 क्वेश्चन वहां जरूर इससे आपका मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया, ध्यान से लिखिएगा क्या लिखा गया है कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% वादा के साथ करें। 27 फरवरी को आप आग लगा दीजिए। ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये वायरल क्वेश्चन है, ये जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10-10 बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। सबसे केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आपने अगर तैयारी किया होगा तो आप बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखते हैं लेड सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। क्या Pb2SO4 हो सकता है, या PbSO4 हो सकता है, या PbSO4 हो सकता है, या PbSO4 हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वही आपको लगाना है। तो प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात PbSO4 जो है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन करा कि BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला योग अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, चौथा रिडॉक्स अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना कि ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ध्यान से देखिए, तो इसलिए इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि Fe2O3 प्लस 2AI यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, योग अभिक्रिया, संयोग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये जो आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये जो दो दिए गए हैं, एक Fe2O3 और 2AI, ये क्या होते हैं कि इनमें से एक कम क्रियाशील होता है, एक ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जो कम क्रियाशील होता है उसके स्थान को विस्थापित करके ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व वहां चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इन सब की आप परिभाषा जरूर याद करके जाइएगा, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वहां मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। चौथा नंबर प्रश्न क्या करा, देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। मतलब कि हम ऐसे कौन से पदार्थ का उपयोग करें कि जल में जो है जीवाणु न रह जाए, जो जीवाणु है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए 52 सोडा, ऑप्शन नंबर बी फिटकरी, सी बेकिंग सोडा और डी विरंजक छोड़। तो प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिटकरी एक ऐसा पदार्थ होता है, अगर हम उनको जल में मिला दें तो जल जीवाणु रहित हो जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, क्या करा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव कितना है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जो होता है वो 10 होता है। प्यारे बच्चों, कितना होता है, 10 होता है। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न क्या करा कि 52 सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, 52 सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। 52 सोडा का जो रासायनिक सूत्र है प्यारे बच्चों, वो होता है Na2CO3 10H2O। तो हम लोग इस पे क्या लगा देंगे, ट्रिक लगा देंगे। ठीक, उम्मीद है अभी तक आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न केमिस्ट्री के क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से अम्ली लवण कौन है। निम्न में से अम्ली लवण कौन है। आजकल के प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि चार टू ऑप्शन दे देगा, उसमें पहचानना रहता है निम्न में से क्या है, निम्न में से क्षारी धातु कौन है, निम्न में से अम्ली लवण क्या है। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा।
अब ध्यान से देखिए, तो कह रहा कि निम्न में से अम्ली लवण कौन है, तो प्यारे बच्चों निम्न में से अम्ली लवण क्या है, NaHSO4 जो होता है वो आपका अम्ली लवण है। आगे आठ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो प्यारे बच्चों जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 7 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला प्यारे बच्चों, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है Ca3PO4। ये आपको क्लियर अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं Ca3PO4। ये होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, ये सब कैल्शियम फास्फेट के सूत्र। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया जा चुका है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला प्यारे बच्चों। क्या PbNO3 हो सकता है, नहीं PbNO3 लेड नाइट्रेट का सूत्र नहीं होता। क्या PbNO3 हो सकता है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यही लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, PbNO3 जो है लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र है। चलिए इस प्रकार केमिस्ट्री के आपके जो है जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे भाग दो फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। ध्यान से देखना है, वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चों आर होता है जो कि 32 दी गई है। ठीक, फोकस दूरी पूछ रहा, तो हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन पढ़ाया प्यारे बच्चों, हमने पढ़ाया भी है, यह बराबर होता है R/2। R की वैल्यू कितनी है, 32/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 16। तो देखिए कहां पर कहीं 16 दिख रहा, तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी एक जिस उत्तल दर्पण, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब हम सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, इस बात को ध्यान देना कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है प्यारे बच्चों। तो आप जानते होंगे कि वो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनाता है और क्या बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण आपका बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, समतल दर्पण आपके बराबर बनाता है प्यारे बच्चों, इसलिए उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हुआ आभासी बनाएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्या करा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या करा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ अगर हम सॉल्व करें फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो हम रिलेशन जानते हैं एफ इक्वल टू आर अपान क्या होता है, 2 होता है, हमको वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × f, 2। एफ की वैल्यू कितनी है, 12 है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या जो होगी वो 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपका जो है तीसरा प्रश्न, क्या कहीं 24 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, 6, 12, 18, 24, हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो डी है प्यारे बच्चों वो इसका जवाब होने वाला है कि अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसकी इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का रहा कि ये कोई आपका उत्तल लेंस है और यहाँ पर जो है आपका ये f है और ये क्या है, 2f है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के इधर कहाँ बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर भी अगर दूरी f मान ले, इधर दूरी 2f मान ले, तो इससे चलने वाली, पहला नियम होता है इससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों कहाँ पर बन रही है, 2f पर ही बन रही है ना, अर्थात
जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर बनेगा। तो यही है, देखिए यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है प्यारे बच्चों, 2f दूरी पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिए, ऑप्शन सारे जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है क्षमता का वो होता है पी इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होता है। सेंटीमीटर की बात आती है तो 100 हो जाते हैं, तो 100/f हो जाता है। अब आपको फोकस दूरी बताना प्यारे बच्चों, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, पी यहाँ आ जाएगा, एफ वहां चला जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा 100/, कितना हो जाएगा पी, पी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ रख दें तो 100/2 कर देंगे प्यारे बच्चों, 50 आ जाएगा। तो कितना इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 50 सेंटीमीटर। छठा प्रश्न देखिए क्या करा कि कांच का अपवर्तनांक अधिक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है किस रंग में, हरे रंग में, लाल रंग में, बैंगनी रंग में, पीले रंग में। मतलब कहने का मतलब है कि किस रंग में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों। जो सी नंबर है ये बैंगनी रंग जो होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है ये कांच में सबसे अधिक होता है। चलिए आगे सातवां प्रश्न क्या करा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिए। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो अगर वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु मतलब एयर, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है प्यारे बच्चों, 3/2 है। अब कांच के सापेक्ष वायु का, तो कांच के सापेक्ष यानी जी एन ए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2/3, 3/2 के बजाय क्या हो जाएगा 2/3, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों आठवां प्रश्न क्या है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। अब आभासी जो है प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में बनता है, केवल एक स्थिति में बनता है और उसके बाद सीधा। तो जिस स्थिति में आभासी बनता है उसी स्थिति में सीधा बनता है और वह बड़ा बनता है प्यारे बच्चों, बड़ा, तो बड़ा भी बनता है वस्तु से काफी बड़ा बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल और समतल, उत्तल जो है वस्तु से छोटा बनाता है और समतल जो है प्यारे बच्चों वो आपके वस्तु के बराबर अधिकतर बनाता है। अगला नवा क्वेश्चन करा, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कोई भी अवतल लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक, बड़ा, सीधा, कैसा बनाता है। तो प्यारे बच्चों ये भी हम लोगों ने क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ के रखा कि जो अवतल लेंस होता है ना वो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है, छोटा बनाता है। तो ये ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार आपका 10 नंबर प्रश्न भी यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे भाग 3 की, बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है, मतलब पादप में जाइलम क्या कार्य करते हैं, जाइलम का क्या कार्य होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो जल का संवहन करते हैं, जल का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अर्थात पादप में जाइलम का और कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, जाइलम का जो कार्य होता है केवल जल के संवहन को करना रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाता है, करेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके सेकंड प्रश्न की, जल में घुलनशील विटामिन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी होता है प्यारे बच्चों, न तो विटामिन ए घुलता है न तो विटामिन बी घुलता है। जल में केवल कौन विटामिन घुलता है प्यारे बच्चों, विटामिन सी। अगर यही वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लेता है तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए प्यारे बच्चों ए डी ई के, ये सारे जो विटामिन होते हैं ये सारे विटामिन वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि ब्रिको का कार्य होता है, आप प्रश्न नंबर 3 कि ब्रिको का क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों,
ब्रिकों का क्या कार्य होता है? तो पहले बच्चों ब्रिकों का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन करना होता है, अर्थात ब्रिक ब्रिक जो होते हैं वो सदैव क्या करते हैं, उत्सर्जन का करने का कार्य करते हैं। चौथा क्या प्रश्न है प्यारे बच्चों, पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक होता है, पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों पोषण के स्वपोषी विधि के लिए CO2 तथा जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की भी, अर्थात ये सभी ये चारों चीज जो है स्वपोषी के लिए आवश्यक होती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम पोषी नहीं है, निम्न में से कौन विषम पोषी नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो विषम पोषी नहीं है वो कौन सा, फफोदी आपका विषम पोषी है, फिर फीता क्रीम भी जो है आपका विषम पोषी है, इष्ट भी विषम पोषी है, परंतु ये जो मनी प्लांट है ये विषम पोषी नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका जो जवाब है वो यही होने वाला है। अगला, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। छठवें प्रश्न का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, अंडाशय जो होता है वो होता है, गर्भाशय भी होता है, और प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका जो बची है यही जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, इसलिए आपका आंसर यही बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, करेक्ट है। आगे क्या कर रहा है, डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, इस बात को पूछ रहा है। तो डीएनए जो है सदैव केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन क्या करा, एड्स का कारण क्या होता है, एड्स किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, एड्स जो है किसके कारण होता है। तो जीवाणु के कारण एड्स होता नहीं, विषाणु के कारण एड्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द्विनिषेचन पाया जाता है, किस किस प्रकार के जीवों में द्विनिषेचन पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जो आपका है आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में जो है द्विनिषेचन पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन क्या करा कि आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं पुमंग। नर जनन अंग कौन होते हैं, पुमंग होते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों साइंस के जो है आपके 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि ये सभी 30 प्रश्न अगर आप एक बार देख के जाते हैं, एक बार आप इसको क्लियर करके जाते हैं, तीन में से काफी ज्यादा 90% क्वेश्चन आपके विज्ञान में फंसने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।